हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग करने वाले एक रोड ट्रिप। सो बेसिकली मैं जैसे पुणे में रहता हूँ, सो हम लोग खीर शिवापुर तक का रोड ट्रिप कर रहे हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग रोड ट्रिप, आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल रोड ट्रिप। एंड हम लोग खीर शिवापुर जा रहे हैं एंड वहाँ पे एक दिस इज अमेजिंग प्लेस विच सर्व्स लाइक रियली गुड मटन थाली। एंड नो, इट्स नॉट जगदम्बा, इट्स दिस अदर प्लेस। सो आज हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं एंड वहाँ पे जाके हम लोग ट्राई करने वाले हैं उधर का मटन थाली। तब तक कमेंट्स में आप बता देना, आप गेस कर लो कि कौन सी जगह है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई द मटन थाली देयर। सो हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन पे एंड जैसे आप देख सकते हो पीछे, दिस इज जय भवानी मटन थाली। सो ये जो जगह है, दिस इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर देयर मटन थाली, लाइक यू गेस्ट इट। सो बेसिकली ये जो है लेफ्ट साइड में आता है खीर शिवापुर के हाईवे पे। इफ़ यू कमिंग फ्रॉम पुणे तो ये लेफ्ट साइड में आएगा एंड इफ यू गोइंग टू पुणे तो आपके ये राइट में पड़ेगा। एंड दिस इज़ बेसिकली इन बिटवीन टू HP पेट्रोल पम्प्स। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन टैग वो सब डाल दूंगा ताकि आपको ईजी पड़ जाए टू फाइंड द प्लेस। So without wasting any more time, let's go inside and let's see how the food here is. So पीछे जैसे आप देख सकते हो काफ़ी सारे pictures हैं and these are pictures of all politicians and celebrities. सेलिब्रिटीज़ लाइक यू नो आमिर खान, अजय अतुल, महेश मांजरेकर, ये सब यहाँ पे आ चुके हैं एंड यहाँ का खाना खा चुके हैं। सो योर दी प्लेस लुक्स वेरी अमेजिंग, दी एम्बियंस इज इट गिव्स अ वेरी होमली वाइब टू इट। एंड इनके पास दो सीटिंग है, एक नीचे का और एक ऊपर का। सो दिस इज द डाउन सीटिंग जहाँ पे हम लोग रुके, जहाँ पे ये पिक्चर्स है एंड ऊपर का भी एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। एंड आई जस्ट कांट वेट नाउ टू ट्राई द फूड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो एंड लेट्स सी हाउ द फूड योर इज मेड एंड देन ट्राई इट आउट। सो दिस इज द फर्स्ट फ्लोर एंड ये फर्स्ट फ्लोर का जो वाइब है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द ग्राउंड फ्लोर। दोनों में सेम टाइप का ही फर्नीचर है एंड यहाँ पे भी सेम टाइप का ही सीटिंग है, जगह भी काफ़ी है यहाँ पे। सो ओवरऑल द प्लेस लुक्स वेरी गुड। सो बेसिकली यहाँ पे दो ही तीन फ्लोर है एंड पहले दो फ्लोर पे जो सीटिंग है एंड ये लास्ट फ्लोर पे शिवाजी महाराज की मूर्ति है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बेसिकली कोई सीटिंग नहीं है, सिर्फ मूर्ति रखी गई है, बाकी दो फ्लोर पे नीचे सीटिंग। सो काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ। सो लेट्स गो एंड नाउ लेट्स गो फॉर द फूड। सो जैसे आप देख सकते हो ये उनका मेन्यू है एंड मेन्यू के फर्स्ट पेज पे आपको इनका नाम दिख जाएगा, सेकंड पे आपको सेलिब्रिटीज़ एंड पिक्चर्स दिख जाएंगे सेलिब्रिटीज़ वाले सेकेंड एंड थर्ड पे, उसके बाद आपका रियल मेन्यू शुरू होता है। सो रियल मेन्यू में इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, बट इनके सबसे फेमस इज़ द मटन रान, द स्पेशल मटन कोमड़ी वड़े थाली एंड द स्पेशल चिकन कोमड़ी वड़े थाली। ये तीनों का हमने ऑर्डर दे दिया है एंड साथ में हमने एक वेज थाली का भी ऑर्डर दे दिया है। सो यू हैव समथिंग फॉर आर वेजिटेरियन क्राउड हियर एज़ वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो एंड लेट्स सी हाउ दीज डिशेज आर प्रिपेयर्ड। Thank you.
रान को बनते हुए देख के काफ़ी भूख लग गई, बट अभी थाली का टाइम है तो आता अमी जाऊया अनि बगूया कि मटन अनि चिकन थाली कशी बनते। आई होप माई मराठी वॉज राइट, इफ इट वॉज रॉन्ग देन डोंट माइंड इट, जस्ट लेट्स गो एंड लेट्स सी हाउ द थाली इज मेड। स्टार्टिंग ऑफ द स्पेशल मटन कोमड़ी वड़े थाली। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जैसे कोमड़ी वड़ा है, ये अनियन रस्सा, ये मटन वाला रस्सा, ये मटन सुक्का, मटन कीमा, इंद्रायणी राइस, अनियन राइस और रायता और ये सैलेड। सो ये सब जो है दिस कम्स फॉर ₹400 एंड एक्सेप्ट द मटन सुक्का एंड द मटन कीमा, बाकी सब जो भी इसमें है दैट इज़ अनलिमिटेड इंक्लूडिंग द राइस, बोथ द राइस एक्चुअली। सो लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई इट आउट एक्चुअली। सो दिस इज द कोमड़ी वड़े विच आई एम ट्राइंग। तो पहले कीमा ट्राई करते हैं। तो कीमा इज वेरी स्पाइसी, इफ यू आर पर्सन हू लव स्पाइस देन दिस इज स्पेशली लाइक प्लेस फॉर यू। कोमड़ी वड़े इज वेरी वेल कुक, फुल ऑफ फ्लेवर्स, इट गोज वेरी वेल विद द कीमा। लेट्स ट्राई द मटन नाउ। Oh, nice. Very well cooked. So the mutton is also very well cooked. It's tender and the flavors are very good. It's on a bit of the spicier side because Maharashtrian jo hai wo thoda spicy khate hai. But taste is really amazing. Jo log spice thoda tolerate nahi hota hai, they will have to, you know, bear with it a bit. But the taste is amazing, it is totally worth it and 400 mein this thali is really worth it. Aapko ye dono chhod ke ye baaki sab jo unlimited milta hai, it's like a very very good deal. Aapka ped acche se bhar jayega. So main tab tak ye kaam karta hu, ye sab khatam karne ko try karta hu and then fir dusri thali ko hum log try karenge. सो द नेक्स्ट डिश ऑन अ लिस्ट इज़ द चिकन थाली। सो दिस इज़ द स्पेशल चिकन थाली एंड हमने वैसे तो कोमड़ी वड़े वाला थाली का ऑर्डर किया था, बट मैंने सोचा कुछ चेंज कर देते, कोमड़ी वड़े तो हमने मटन में भी लिया था। सो मैंने उन्हें बोला कि उसके जगह पे हमें भाकरी दे दो। सो वी गॉट द भाकरी, रस्सा, आलनी सूप, चिकन सुक्का, चिकन कीमा, इंद्रायणी राइस, आलनी भात, रायता और सैलेड। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द मटन थाली, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे चिकन सुक्का मिल जाएगा, चिकन कीमा मिलेगा एंड हमने वो जो बड़ा था उसकी जगह पे हमने भाकरी बोल दिया। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो फर्स्ट वी ट्राई द कीमा विद द भाकरी। इट इज वेरी वेल कुक्ड, यू कैन से इट इज लाइक अप्रतिम, आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट राइट, इट इज अप्रतिम एंड इट इज खूब चान, टू टू गुड, वेरी वेल कुक, द भाकरी एंड द कीमा इज परफेक्ट। लेट्स ट्राई द चिकन नाउ। सो चिकन में वो लोग अराउंड 5 से 6 पीसेस दे देते हैं हर थाली में, सो आई थिंक इट्स अ गुड डील। वेल कुक चिकन, so the chicken is also very well cooked, full of spices, full of flavors. It's on the spicier side because, you know, like I said, Maharashtrian thoda spicy food prefer karte hi hai, but this is very well cooked and this is amazing. 400 rupees mein aapka pet aaram se bhar jayega yahan pe. So main ye try karta hu thoda khatam karne ke liye and then hum log next dish try karenge. So bhakri ke sath maine socha try to kar liya, but ek kaam karte hain, aani rice ke sath bhi try karte hain because ye jo cheez hai har jagah pe milti nahi hai. So let's try it out. सो एक चीज़ था कि मैंने जो बोला कि जो थाली है दैट इज़ फॉर 400 रुपीज़,
दैट्स एक्चुअली ट्रू फॉर द कोमड़ी वड़े थाली. अगर कोमड़ी वड़े लोगे तो 400 को है, बट अगर आप भाकरी के साथ लोगे तो आपको वो 280 में पड़ जाएगा. तो दिस इज द राइस. टेक थोड़ा रस्सा विद दिस. टेस्टिंग रियली गुड. ये मैंने राइस जो है ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है एंड इट इज सो अमेजिंग. इट्स गोइंग सो वेल विद द रस्सा एंड द राइस. इट इज अमेजिंग. एंड चिकन जो इतना अच्छे से कुक्ड है, उसका मसाला आलनी राइस के साथ और रस्से का जो मसाले एक साथ ब्लेंड हो रहे, इट इज़ अमेजिंग. इट इज़ वेरी वेरी गुड. सो ये थोड़ा मैं और ट्राई करता हूँ खाने के लिए एंड फिर हम लोग रान ट्राई करेंगे. सो यू गॉट आर रान योर. सो रान इज बेसिकली मटन का लेग एंड उसको पूरी तरीके से कुक करते हैं. सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले रान जो था उससे पहले रस्से में अच्छे से कुक किया एंड फिर उसे ऊपर मसाले डाले एंड देन दे पुट इट इन द भट्टी एंड फिर भट्टी से निकाल के उसे अच्छे से प्लेट किया. सो यहाँ पे उन्होंने रान दिया है, साथ में आई थिंक देयर इज टू, देयर इज सम सैलेड एंड दे पुट सम कैश्यूज ऑन इट. लेट्स ट्राई दिस नाउ. तो इसका जो मसाला है दैट इज अमेजिंग. जो टेस्ट है इट इज़ टू गुड. इट इज़ वेरी वेल कुक्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी टेंडर एंड यूजली मटन जब भी आप खाते हो कि तभी इट इज़ वेरी यू नो हार्ड, बट दिस इज़ वेरी टेंडर एंड इन अ वे जस्ट मेल्टिंग इन योर माउथ. एंड साथ में कैश्यूज के साथ वो रान जो टेस्ट कर रहा है दैट इज़ टू गुड. यहाँ पे उन्होंने साथ में टूप भी दिया है आई थिंक, एंड वो चाहिए तो आप डाल सकते हो उसके ऊपर. ये पूरा रान एक 3 से 4 लोग के लिए काफ़ी है, आराम से लोग ये खा सकते हैं 3 से 4. एंड उसके बाद अगर और भूख लगी फिर थाली तो है ही. सो ओवरऑल दिस इज़ परफेक्ट एंड आई जस्ट लव दिस मसाला एक्चुअली. एंड ठीक है, ये देखते थोड़ा और ट्राई करूँगा एंड फिर हम लोग का लास्ट डिश ट्राई करेंगे विच इज़ द वेज थाली. वेजिटेरियंस के लिए भी मैंने सोचा थोड़ा कुछ कर देते इस बार. सो लेट्स ट्राई टू हैव हाउ मच एवर आई कैन ऑर्डर दिस एंड देन हैव द वेज थाली. हमारे पास है द वेज थाली. सो वेज थाली में आपको भाकरी, पिटला, मटकी की सब्जी, वरण, पत्ता गोभी, सैलेड, इंद्रानी राइस, रायता. सो ऑल ऑफ दिस इज प्राइस्ड एट ₹150 एंड इसके अलावा वेजिटेरियंस के लिए एक पंजाबी थाली का भी ऑप्शन रहता है जिसमें यू गेट पनीर एंड अदर स्टफ एंड उसका प्राइस इज ₹250. सो यहाँ पे हमने बाजरे की भाकरी मंगा ली एंड वैसे आप तो कुछ भी मंगा सकते हो. आपको चाहिए तो बाजरे की भाकरी चाहिए या जवार की या तंदूरी रोटी, आपके पास तीनों ऑप्शन है. इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू हैव. हमने सोचा हम हर एक टाइप का भाकरी और रोटी ट्राई कर लेंगे. सो लेट्स ट्राई इट आउट. वी ट्राइड विद द पिटला फर्स्ट. सो आई थिंक लास्ट टाइम मैंने पिटला भाकरी सियागढ़ में खाया था, सियागढ़ फोर्ट पे, एंड उसके बाद मैं अभी कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी दिस इज आई थिंक दिस इज मच बेटर देन द सियागढ़ फोर्ट वन. दिस इज फुल ऑफ फ्लेवर्स, एकदम मसाले से भरा हुआ है, अमेजिंग इट इज. लेट्स ट्राई द मटकी नाउ. तो आई थिंक दिस इज नॉट मटकी, दिस इज पीस. उनसे आई थिंक एरर हो गया हमें बताने में, बट दिस इज पीस एंड पीस इज द पीस इज वेरी वेल कुक. मसाला इज अमेजिंग, रस्सा उसका बहुत अमेजिंग है. थोड़ा तीखा है, मुझे थोड़ा और तीखा लगे एक्चुअली द भाकरी, बट द टेस्ट इज अमेजिंग, टू गुड. लेट्स ट्राई द दाल. ये जो दाल है आई एम श्योर इट टेस्ट वेरी गुड विद द राइस. भाकरी खत्म होने के बाद द बेस्ट वे टू एंड द मील इज विद सम वरण भात and this will be like the perfect combination ever. Last but not the least, let's try the patta gobi. I
आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ पत्ता गोभी बट मुझे ये वाला जो पत्ता गोभी है वो काफ़ी अच्छा लगा. सो आई थिंक दैट सेज समथिंग अबाउट दिस प्लेस. एंड वेज थाली आई थिंक इज़ रियली अमेजिंग. 150 में अगर आपको ये सब मिल जाता है आपका पेट आराम से भर जाएगा. 150 में आई डोंट थिंक यू हैव टू कॉल फॉर अनदर भाफी और एनीथिंग एज वेल, क्योंकि यहाँ पे इतना सब कुछ है 150 में और क्या ही ऑर्डर कर गया. सो ओवरऑल दिस लुक वेरी गुड एंड आई थिंक दीज आर ऑल द डिशेज फॉर टुडे. सो अब मैं ये सब ट्राई करता हूँ ख़त्म करने के लिए एंड देन आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ. हे गाइस, तो यहाँ पे हो चुका है एंड यहाँ का खाना वॉज रियली अमेजिंग. मैंने जो भी ट्राई किया था, चिकन थाली, द मटन थाली, द रान, द वेज थाली, यू नेम इट, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग. एवरीथिंग वॉज वैल्यू फॉर मनी. आई एम प्रेटी श्योर अगर कोई भी इंसान यहाँ पे आता है उसने एक भी थाली लिया तो उसका पेट आराम से भर जाएगा. एंड ओवरऑल हैड अ वेरी गुड टाइम योर. होप आप लोग को अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा रहेगा. देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कभी मिस आउट नहीं करो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ. डोंट फॉरगेट अ मोटो विच इज लिव टू ईट. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. एंड लेट्स ट्राई द थाली. सो बारिश गिरती रही, दोस्ती बिगड़ती गई, दोस्त दूर क्या चले गए, दोस्ती घटती गई. अरे वाह तो बोला यार, नहीं बोलने का. One eternity later.